ये चैप्टर नंबर टू, पीएम बनने के बाद का प्रेम। क्या बोला? मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे, ये नहीं मालूम। मेरे दादा कौन थे, ये नहीं मालूम। साथियों, याद रखिएगा, मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा। नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो। साथियों, इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत अच्छे संस्कार हैं कांग्रेस और उनके नेताओं के, और ये है उनके प्रेम की डिक्शनरी का सच। मेरी देश के लोगों से बस यही प्रार्थना है, कांग्रेस की ये प्रेम की डिक्शनरी अपने बच्चों के हाथ न लग जाए, बस इतनी चिंता करना। मुझे मेरी नहीं, आपके बच्चों की चिंता है, उनके संस्कार की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। भाइयों, मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे आठवीं, दसवीं, बारहवीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है। और साथियों, अब जो शब्द मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, वो भी सब नहीं, थोड़े बहुत सैंपल, अब वो शब्द मैं गिनाने जा रहा हूं, ये सारे ये चाय वाला प्रधानमंत्री बना
उसके बाद बोले गए हैं। ये दावा करते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या उपहार दिया है, कैसी प्रेम वर्षा की है, कैसी सौगातें दी है। मैं आज मेरे अपने घर आया हूं तो मेरे देशवासियों को कुरुक्षेत्र की सत्य की इस धरती से फिर बताना चाहता हूं। ये सारी